अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताजी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैंडिडेट पूछना चाहते हैं, लेकिन उनको फोरम नहीं मिल रहा कि वो कहाँ पर पूछें, कैसे पूछें। और कुछ मेरे क्वेश्चन हैं जो कि मैं एस्पिरेंट्स के सामने रखना चाहता हूँ ताकि उनको कुछ फर्दर गाइडलाइंस मिल सकें। तो ये आज की वीडियो जो है वो इसी पर्पज के लिए बनाई जा रही है, जो कि MOD टेस्ट 2021 है, उनके आंसरिंग योर क्वेश्चन के नाम से है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर किया जा सके, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। 25th को एग्जाम्स होने जा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आंसर करना जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आंसर किया जा सके, इसलिए आपके जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिएगा रेलिवेंट टू स्क्रीनिंग टेस्ट, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन बेहतर है कि आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पुट करें और वहां पर आपको स्पीडी तरीके से जो है वो रिप्लाई किया जाएगा। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे आपके आंसर किए जाएंगे। कुछ चीजें हैं जी जो कि क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि हम बुकलेट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और वो लोग जिन्होंने बुकलेट को लिया है, ऑर्डर किया है और उसे तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये डाटा जो है आपको हेल्प कर रहा है। आप बताइए कि आपकी उस डाटा को पढ़ के कितने परसेंट जो है वो तैयारी हो रही है, और आप समझते हैं कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे उस बुकलेट को पढ़ते हुए, क्या आप उस डाटा को हेल्पफुल पा रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने MOD से रिलेटेड बुकलेट जो है वो ऑर्डर नहीं की और वो हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि क्या उनको लगता है कि जो डाटा हमने शेयर किया हुआ है वो उनके लिए हेल्पफुल है, और उनसे उनकी तैयारी जो है वो कितने परसेंट हो रही है, और डाटा कितना अच्छा है, कितना आप उसको जो है वो रेट करते हैं। दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि हमारी तरफ से जो डाटा शेयर किया जा रहा है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और रेलिवेंट है, और इससे आपको इजीली अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना पॉसिबल हो पाएगा। काइंडली इसके हवाले से जरूर हमें अपडेट करें कि हमारी बुकलेट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है या नहीं, और जो उसमें डाटा है या उसके अलावा जो डाटा हम चैनल पे या अपने फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं, क्या वो आपको इन एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करेगा या नहीं। और दूसरी बात ये कि कुछ न्यू लोग हैं जो कि हमारी बुकलेट अभी परचेज कर रहे हैं या जिन्होंने अगर परचेज ऑलरेडी कर भी रखी है, मैं उनके लिए ये जरूर शेयर करूंगा कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बुकलेट को तैयार करने की, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आपके पास जो फाइल्स रिसीव होती हैं बुकलेट की फॉर्म में, उनमें सबसे पहले आप अगर तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो इंग्लिश, GK, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, इस्लामियात और सोशियोलॉजी, मैस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और लॉ, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं आप इससे अपनी तैयारी को जो है वो स्टार्ट करें, क्योंकि ये तैयारी जो है इस पे आपका टाइम कम लगेगा और ये थ्योरेटिकल फॉर्म में है, इसलिए आपको टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सबसे पहले अपनी तैयारी का जो स्टार्ट है वो इससे लें, और इससे ये होगा कि आपका एक रिदम डेवलप हो जाएगा अपनी तैयारी के हवाले से। उसके बाद आप आए कंप्यूटर पोर्शन पे, कंप्यूटर पोर्शन को तैयार करें जो कि 3 उसके मेजर पार्ट्स हैं, एक प्रोग्रामिंग है, नेटवर्क है और डेटाबेस है, इनको आप तैयार करें क्योंकि इनमें से मेजर पार्ट आ रहा है एग्जाम में और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एट दी सेकेंड लास्ट पे आप रखें अपने एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन को, एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ आपको गाइड किया गया है कि आपने उसको जो है वो स्टार्ट से किस तरह करना है, क्योंकि अभी टाइम कम है, इसलिए जो डिटेल वाली चीजें हैं जिसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं वो आप एंड पे आप रखें उसको, ताकि इससे ये होगा कि आपका जो कुछ ना कुछ एग्जाम का डाटा जो है वो तैयार हो जाएगा, जो कि आपको क्रैक करने में, एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। और सबसे आखिर में आप फिर पास पेपर अटेम्प्ट करें, उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस कैलिबर की है, किस लेवल की है, और वो तैयारी आपको कितना हेल्प करेगी आपके एग्जाम को क्रैक करने में। तो ये स्ट्रेटजी मैं सजेस्ट करूंगा।
कि आप अगर न्यू पर्सन हैं जो कि बुकलेट ऑर्डर कर रहे हैं तो वो इस तरह से इसको तैयार करें। दूसरा ये कि टेल मी अबाउट योर वीकेस्ट सेक्शन सो कुड अपलोड मोर डाटा। हम बहुत सा डाटा अपलोड कर रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा समय लें कि एक एक साथ काफ़ी ज़्यादा डाटा अपलोड नहीं किया जा सकता। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके, लेकिन अगर आप हमें अपने वीकेस्ट सेक्शंस के बारे में बताते हैं कि इससे रिलेटेड आपको डाटा चाहिए, तो जो मैक्सिमम हमारे पास कमेंट्स आएंगे, मैक्सिमम लोग हमें कहेंगे कि इस हवाले से हमें गाइड कर दें या आप डाटा प्रोवाइड कर दें, तो हम कोशिश करेंगे कि अभी जो कुछ दिन रह गए हैं आज जो है वो अगर डेट को देखा जाए तो कुछ दिन रह गए हैं, 5 से 6 दिन रह गए हैं हमारे पास, तो इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि आपके जो वीकर सेक्शंस हैं उनको कवर करने के लिए कुछ डाटा अपलोड कर सकें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शेयर समथिंग इम्पॉर्टेंट विच यू थिंक दैट वी शुड शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है, कोई ऐसे ट्रिक्स हैं या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लर्निंग और शेयरिंग के इस प्रोसेस में जो कि हम लेके चल रहे हैं इसका अगर पार्ट बनना चाहते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप दूसरों के लिए आसानियों के रास्ते खोलिए, अपनी स्ट्रेटजीज टेक्निक्स दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है वो अच्छे तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकें और आपके साथ जो है वो आगे बढ़ सकें, दूसरों को साथ मिला के चलें आगे। ये इससे आपकी बेहतरी के भी अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है अगर आप दूसरों की बेहतरी के लिए कुछ काम करते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी टेक्निक है, कोई डाटा है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंच सकता है तो वो काइंडली ज़रूर इसके हवाले से बताएं ताकि दूसरे लोगों को गाइड किया जा सके। व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्जाम? अगर आपसे पूछा जाए, हम अपनी तरफ से स्ट्रेटजीज बताते हैं कि इस तरह से जो है वो आप अटेम्प्ट करें पेपर को। अगर आपके पास कोई बेटर एक्सपीरियंसेस हैं तो वो भी काइंडली ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कैंडिडेट्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ शेयर किया जा सके और वो भी उनको ऑप्ट करते हुए इन एग्जाम्स को ईजिली क्रैक कर सकें। अब लास्ट पे पॉइंट ये है कि क्या आपने अभी डिफरेंट वे से आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से आप इस फील्ड में होंगे, तैयारी कर रहे होंगे या अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी टाइम ये है कि अभी कुछ जो लास्ट डेज रह गए हैं उनमें चेक करें कि आपकी तैयारी का कैलिबर क्या है, आपका किस लेवल की प्रेपरेशन हो चुकी है, आप इसको खुद अपने लिए एग्जाम सेट करें तो फिर उसको अटेम्प्ट करें, या आप अगर अपने ग्रुप बनाया हुआ है तो ग्रुप में जो है अब डिफरेंट लोग तकरीबन हर बंदा ही डिफरेंट पेपर सेट करे और फिर आप उसको मिक्सअप करके एक दूसरे के तरफ से सेट किए गए पेपर आप अटेम्प्ट करें, तो उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है और आपका कौन सा पोर्शन वीक है और कौन से में आपकी ग्रिप अच्छी है। और दूसरा ये कि अगर आप ऐसा करते हैं, मैंने तो सजेस्ट किया है कि आप जो है पास पेपर्स को अटेम्प्ट करें, पास पेपर्स को फर्स्ट पे ना पढ़ें, लास्ट पे उनको अटेम्प्ट करें अपनी तैयारी कंप्लीट करने के बाद, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक कंप्लीट फुल फ्लेज पेपर जो है उसको कितने टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आपका किस एरिया पे जो है वो आपका स्ट्रांग ग्रिप है और किस पे आपकी वीकर है, किस पे टाइम ज़्यादा लगता है, किस पे कम लगता है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग जो है उसको इग्नोर मत करें, नेगेटिव मार्किंग के फैक्टर को भी मद्देनजर रखें और उससे भी बचने की कोशिश करें, जो आपको करेक्ट आंसर आते हैं जिन क्वेश्चंस के उन्हीं को अटेम्प्ट करें और अल्लाह ताला आपके लिए जो है वो आसानियां पैदा करे, आपको इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपकी मदद करे। हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, एक बुकलेट अवेलेबल है आपके लिए जो कि तैयार की है मोटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने और इसको एडिट किया है उस्ताद जी ऑनलाइन ने आपके लिए, इसमें डाटा शामिल किया गया है और टेक्निक्स और ट्रिक्स इस्तेमाल शामिल किए गए हैं जो कि पहले एमओडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने इस्तेमाल किए हैं, उसके अलावा भी इसमें डिफरेंट डाटा शामिल किया गया है। अगर आप सीरियस कंटेंडर हैं और अपने आप को सीरियसली कम्पिटेंट समझते हैं और चाहते हैं कि आप इस सीट को अवेल करें, तो आपने अगर अप्लाई कर रखा है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैटेगरी के लिए, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए,
ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर के लिए, असिस्टेंट के लिए, एएसआई के लिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सुपरवाइजर यूडीसी या एलडीसी के लिए, तो आपके लिए बुकलेट इंतहाई कारामद साबित हो सकती है। इससे पहले भी हम इसके दो एडिशन निकाल चुके हैं, अब ये थर्ड एडिशन है, लेटेस्ट वन है, और तीनों के ऊपर माशाल्लाह रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है, कैंडिडेट्स को लाइक कर रहे हैं और ऑर्डर भी कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसको हासिल करना तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें डेटा कौन कौन सा शामिल है वो टॉपिक्स की लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें इंग्लिश है, जीके है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जीके में एवरीडे साइंस और डिफरेंट अदर चीज़ें जो जीके में फॉलो करती हैं, फिर इकोनॉमिक्स या मैथ के पोर्शन शामिल है, इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामियात, लॉ से रिलेटेड है, मैथ्स कम्युनिकेशन है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर, थ्री टॉपिक्स हैं, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और डेटाबेस, इवन के जनरल जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको भी कवर किया गया है। फिर आपके लिए पास पेपर्स हैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स के, और उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग का एक मुकम्मल पैक है जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस बुकलेट को हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए दो तरीके हैं, एक तो ये आप हमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 03077282824, और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे फेसबुक पेज का यूआरएल लिंक ये है जी facebook.com/ustachionline1, आप इसको एक्सेस कीजिए और हमारा ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये लुक है उसकी, और वहाँ पर जाके आपने मैसेज कर देना है सेंड मैसेज के बटन को क्लिक करते हुए। इसके अलावा हमारा कोई पेज नहीं है। आपकी आसानी के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज का लिंक ऐड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से उठाते हुए हमें एक्सेस कर सकें। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताची ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और मस्ट प्रेस द बेल आइकॉन ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वो लोग जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप समझते हैं कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, काइंडली उनके साथ जरूर शेयर करें और लर्निंग और शेयरिंग के इस प्रोसेस में हमारा साथ दीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, हमारा पेज वहाँ पर अवेलेबल है, और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, और कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, आप हमें वहां पर बता सकते हैं। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली आंसरिंग योर क्वेश्चंस के नाम से ही है, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको आंसर करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।